मतलब अपने सर काट दिया। हाँ, सर कलम कर दिया उन्होंने अपना, कि उनका कोई नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि मैं रहकर यहाँ पे क्या करूँगा अकेला इस किले के अंदर। तो वो शंकर जी के यहाँ पे गए और उन्होंने अपने हेड को 3 बार काटना चालू किया, तो 2 बार तो शंकर जी ने वापस रिटर्न कर दिया था। मेरे पीछे ये मंदिर देख रहे हैं ना, यहाँ पर राजा हमीर देव चौहान ने अपना सिर कलम करके यहाँ पर लॉर्ड शिवा के चरणों में अर्पित किया था। इसको हम लोग अंदर से देखने वाले, वीडियो को देखते रहना दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। सूरज पोल जो फोर्ट की जो बाउंड्री बोल है ये, इसमें जैसे गन पॉइंट बने हुए हैं सारे, उस टाइम क्या करते थे, यहाँ से गर्म तेल, गर्म पानी, पत्थर वगैरह फेंका जाते हैं। और ये दीवारें जो काफ़ी मजबूत तरीके से बनाई गई है, एक तौर से अगर चाहे यहाँ से ऊपर से कोई भी सोल्जर्स रहे और नीचे कोई एनिमी हो, अगर वहाँ से पत्थर वगैरह अगर गिरा दे तो वो बच नहीं पाएगा कैसे भी करके, क्योंकि काफ़ी हाइट पे यहाँ से बाहर नहीं हो पाएगा ऊपर तक। इतना मजबूत तरीके से बनाया गया, 4 से 8 फीट मोटी दीवार बनाई गई है ये। एक तरह से एक बार तो अगर तोप भी छोड़ दे तो नहीं टूट पाएगा ये बोल, इसी वजह से ये बोल सेफ्टी के लिए बनाई गई है। और काफ़ी ये सेकंड गेट है जैसे इसी का ही, सतपोल सूरज पोल, ऐसे ही सेकंड गेट है, टूट गया है ये भी। और काफ़ी हाइट पे है ये बालम जी की मेड़ी जो देख रहे हो आप, ये सामने जो झरोका है इसको बालम जी की मेड़ी कहा जाता है। अच्छा, ये बालम जी की मेड़ी है। हाँ, उसका झरोका है ये, टूट गई है ना, ये टूट गई है बालम जी की मेड़ी। यस। और दोस्तों देखो, यहाँ पर भी ये भी एक सूरज पोल का जो हिस्सा है ना, उसका एक गेट है। तो ये सारे जो गेट है भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं, अलग अलग गेट। और अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, तो इसका डिजाइन देखो यार, काफ़ी गजब लुकिंग है इसकी। और एक इसका गेट का जो एक पल्लड़ है वो हट गया है। और ये देखो यहाँ का जो दृश्य है, काफ़ी देखने लायक दृश्य है। इधर पहाड़ी है, देखो वास्तव में एक गजब है भाई। तो दोस्तों आप लोगों को ना, ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ना, ये जो जगह दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को अभी तक शायद मेरे हिसाब से किसी ने दिखाया नहीं होगा। तो मैं फर्स्ट बंदा हूँ जो आप लोगों को इतनी खतरनाक जगह में लेकर आ रहा हूँ। रणथंभौर किले के बारे में हम आज जान रहे हैं जो हिस्ट्री। तो ये देखो भाई, तो हम लोग इस रैंप से चढ़ता हूँ, मैं रैंप से आऊँ सीढ़ियों से, रैंप से ही चलता हूँ भाई। इधर क्या है मनीष जी? कोल आ रहा, कोल टाइगर का कोल, कॉल मंकी कॉल कर रहे हैं ये। अच्छा, टाइगर की आवाज़ है? हाँ नहीं, मंकी की आवाज़ है, कॉल कर रहा है, टाइगर आ रहा है इधर से कहीं कहीं से। ओह ये ओ दोस्तों, यहाँ पे टाइगर हो सकता है। मैं थोड़ा देखता हूँ, आवाज़ सुनना। मनीष जी आ जाता है क्या इधर? आ जाता है ना, जंगली तो है। हाँ, ये पूरा जंगल है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी ऊपर से जा रहा है, ऊपर मंकियों के झुंड में खलबली मच गई है। हाँ, वो इस वजह से कॉल हो रही है। हाँ। इसको कॉल कहते हैं। अच्छा, कॉल कहते हैं इसको। हाँ, टाइगर है इनके आसपास, दिख रहा है इनको, इस वजह से कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो किला है, हम लोग आए हैं ना किले के पीछे की साइड में, इधर सूरज पोल के साइड में। तो यहाँ पर जो बंदर हैं उनके झुंड है ना, जो उसमें खलबली मच गई है, और टाइगर को मतलब आने का संकेत दे रहे हैं वो। हम लोग चलते हैं इधर देखने के लिए, हो सकता है। यहाँ पे ये पहाड़ों का पानी भी नीचे आ रहा है, झर लगे। अच्छा, ये पहाड़ों का पानी देखो रिसके आ रहा है। ये देखो पहाड़ों से पानी है जो रिसके आ रहा है, पूरा एकदम झरना है। ये पानी तो पहाड़ से ही होगा, पहाड़ का पानी पूरा। ये कौन सा गेट है मनीष जी? ये वही है, सूरज पोल का हिस्सा है। अच्छा, सूरज पोल का हिस्सा है। ये देखो भाई, इसके बीम देखो, इसमें ऊपर भी कुछ डिजाइन बने हुए हैं। और ये जो पूरा गेट है ना जो, अच्छा मनीष जी, ये जो गेट में नुकीले कील लगाए, आयरन के भाले एलिफेंट के लिए होते थे। अच्छा, हाथियों को रोकने के लिए, हाथी को रोकने के लिए होता था ये, ताकि एलिफेंट के लगे वो बेहोश हो जाए, चुप जाए उसका। हाँ, इस वजह से लगाए गए हैं। कितने बड़े बड़े पिलर हैं ये। चलो भाई, अब अपन चलेंगे शिव टेम्पल, शिव मंदिर चल रहे हैं। हाँ, शिव मंदिर। चलो शिव मंदिर हम लोग चलते हैं। इस शिव मंदिर के बारे में थोड़ा बताते हुए चलिए। ये जो शिव मंदिर है,
ये जस्ट जो गणेश टेम्पल है उसके जस्ट पीछे है ये। हाँ, जैसे जो ये जो गणेश टेम्पल है ये भी नेचुरल है, शंभू अपने आप प्रकट हुए हैं। और यहाँ पे जो हमीरदेव चौहान यहाँ पे आते थे, तो जैसे ही इनके लास्ट में कुछ नहीं बचा था किंग हमीर के पास में, तो उन्होंने क्या किया, अपने दान के कुछ नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने हेड को 3 बार कलम कर दिया, मतलब अपने सर काट दिया। हाँ, सर कलम कर दिया उन्होंने अपना, कि उनका कोई नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि मैं रहकर यहाँ पे क्या करूँगा अकेला इस किले के अंदर। तो वो शंकर जी के यहाँ पे गए और उन्होंने अपने हेड को 3 बार काटना चालू किया, तो 2 बार तो शंकर जी ने वापस रिटर्न कर दिया था। तीसरी बार के टाइम पे शिव जी स्वयं प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हारा राजपट वैसे के वैसे कर दूंगा मैं। हाँ। सबको पुनर्जन्म दे दूंगा, परंतु जो चौहान जो किंग होते हैं वो हटी किंग होते हैं। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, हट के कारण तीसरी बार में अपनी गर्दन को शंकर जी के चरणों में अर्पित कर दिया है, तो वो टेम्पल अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वो शिव टेम्पल है जिसके अपन दर्शन करेंगे, और एक स्टेचू बना दिया गया है यहाँ पे, जो हमीरदेव ने चौहान ने अपना हेड काट के चढ़ाया था उसका स्टेचू भी आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा सामने इस वाला जो पहाड़ी है, नेशनल पार्क है पूरा, काफ़ी मेहनत के बाद में इस पर चढ़ा जाता है। ये देखिए यहाँ पे शिव टेम्पल है, यहाँ पे पानी बहता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है पानी, 12 मास चलता रहता है पहाड़ियों का पानी। ये देखिए ये लोड शिवा के ऊपर डायरेक्ट पानी आता है। अभी इसके अंदर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे अभी शिव टेम्पल। अभी हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ पर हमीर देव चौहान जी, जो रणथंभौर किले के जो राजा थे, उन्होंने अपना जो सर कलम करके लोड शिवा के चरणों में अर्पित कर दिया था, उस जगह को आज हम लोग देखने वाले हैं। और हमारे साथ मनीष भाई हमें पूरा गाइड कर रहे हैं और पूरा हिस्ट्री डिटेल में हमें बताए। तो दोस्तों, छोटा सा गेट है, इससे हम लोगों को चलना है और वहाँ पे पहले हम दर्शन करेंगे। आइए मनीष जी और हमें बताइए। जी हो, ये है वो शिव टेम्पल जहाँ पे अपना राजा ने शेष काट के यहाँ पे इनके चरणों में अर्पित कर दिया था। और ये पानी जो है लोड शिवा के अपने आप ही ऊपर से जाता है, कोई इसका कोई नहीं लगा रखा कुछ भी, ये तो कुदरत की देन है, जो अपने आप ही आता है पानी। अच्छा, ये अपना आप ही आता रहता इसका पानी, कोई पता नहीं है पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। और वो सामने जो देख रहे हो आप, हाँ, वो जो एक जो ये पत्थर है गोल, ये कहते हैं कि राजा ने जब शीश काट के चढ़ाया था, हाँ, उसके बाद में स्टेचू बना दिया याद के लिए। अच्छा, ये पत्थर, हाँ ये पत्थर है जो याद के लिए स्टेचू बना दिया, वो गोल वाला, ये वाला पत्थर है ये याद के लिए। अच्छा, ये राजा की याद के लिए बनाया। हाँ, हाँ। कि उन्होंने अपना सिर कलम करके यहाँ पे चढ़ाया था, इसकी वजह से आज भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हो, ये भी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो ये जो गोल वाला पत्थर है, ये राजा ने जो सिर अपना काट कर लॉर्ड शिवा के चरणों में अर्पित किया था, तो उसकी याद में इस पत्थर को यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हैं। और ये जो पानी है ये बिल्कुल पहाड़ों से रिसकर आ रहा है, सीधा लॉर्ड शिवा के ऊपर ये यहाँ पे गिर रहा है। और यहाँ पे नंदी जी हैं, बाकी आप लोग देख सकते हो, ये वो जगह है दोस्तों, ऐसा आज तक आप लोग किसी ने दिखाया नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो भाई, है ना, कमाल की जगह और कमाल की बात। उस टाइम के जो राजा के जो मेहमान वगैरह होते थे, हाँ, उनके यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था होती थी। अच्छा, जो राजा के जो मेहमान आते, गेस्ट आते, हाँ, गेस्ट हाउस है एक तरह से, तो यहाँ पे उनका ठहरने का व्यवस्था होता था। हाँ। और ये वाइट वाइट जो सिंबल देख रहे हो ना, हाँ, ये वही सूर्यवंशी चौहानों का डायनेस्टी। अच्छा, ये तो पूरे किले में ही लगे हुए हैं, किले के अंदर लगे हुए हैं ऐसे, ये है ना, ये जो वाइट वाइट है ये उन्हीं का है, ये उसी टाइम का है। हाँ, सिंबल है उनका एक बना हुआ है, इसका काम चल रहा है ना, ये काम चल रहा है अभी इसका, ये तो अभी लगाए नया, ये पटरी के भी, हाँ पटरी अभी लगाई है, अभी लगाई है। हाँ, तो दोस्तों ये गेस्ट हाउस है, इसका भी रिनोवेशन चल रहा है। और देखो, और ये भी वही है, ये भी उसी का ही हिस्सा है। हाँ। और यहाँ से आप देखोगे बाउंड्री वॉल, तो आपको बाउंड्री वॉल दिखेगा किले का, जो भी कुछ है यहाँ पे आपको दिखेगा, पर लगभग खंडर सा ही है जो भी कुछ देखने को है यहाँ पे, पर हम लोग जंगल में हैं बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं रणथंभौर के किले में, जो जौहरी मार्केट है वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। तो मनीष जी, जौहरी मार्केट के बारे में हमें बताइए आप।
ये है जौहरी मार्केट, जैसे उस टाइम दुकानें वगैरह जो लगती थी, ज्वेलरी वगैरह, तो हाँ यहाँ पे राजा की जो प्रजा होती थी वो भी खरीदती थी, प्लस हाँ जो गांव के अंदर शादी विवाह होते थे तो हाँ उस टाइम लोग यहाँ पे राजाओं के पास में ही सामान वगैरह लेने के लिए आते थे। तो पूरा ही ये जौहरी मार्केट है, कम से कम 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये रास्ता है, साइड में ये दुकानें लगती थी इधर उधर, तो यहाँ यस पे सामान बेचा जाता था, हाँ। तो ये पूरा ही जौहरी मार्केट होता था उस टाइम, राजा के टाइम का। तो दोस्तों देख सकते हो, ये जो अभी हम लोग चल रहे हैं, ये तो एक मार्केट के बीच में जो गली होती है वो गली है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, एक खंडर पूरा, ये किसी टाइम पे यहाँ पे दुकानें होती थी सोना चांदी डायमंड की, और जो भी यहाँ पे जो उन लोगों का ज़रूरत का सामान था, तो उस सब चीज़ों की यहाँ पे दुकानें होती थी। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो झाड़ी वगैरह हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे ये उत्पन्न हो गई हैं, और बाकी देखने को तो यहाँ पे यही है। और आगे कुछ है मनीष भाई? बस एक गार्ड है, रूम गार्ड का, यहाँ पे जौहरी हाँ मार्केट में मेन कमांडो रहते थे, अच्छा, जोहरी मार्केट के जो मेन कमांडो थे, अच्छा ये सामने वाला उनका वो ही है। सामने है जो, हाँ चलो उसको भी देखते हैं एक बार। तो दोस्तों ये है, ये जो आप खंडर नुमा एक जो आप एक घर देख रहे हैं, ये कमांडो का रूम था, जैसे अपने आजकल गार्ड होते हैं ना कोई भी दुकान के सामने या एटीएम वगैरह, तो उसी हिसाब से यहाँ पर गार्ड था, तो गार्ड का रूम था ये। ये जो जौहरी मार्केट है इसकी वो देख रेख करता था कि भाई कोई चोर यहाँ से कुछ चोरे ना। बाकी देख सकते हो ये दुकानों के गेट हैं, ये आप देख रहे हैं जो ये दुकानों के छोटे छोटे गेट हैं, और कुछ बने भी हुए देखो, ये देखिए। अच्छा मनीष भाई, इसमें थोड़ा सा कार्य भी किया गया है क्या? हाँ रिपेयर किया ना इसको, रिपेयर किया गया है ना, वो दिखाई दे रहा चौड़ा है। कर दिया है, सकड़ी थी गली तो हाँ अब चौड़ा कर दिया इसको, रास्ते को। इसको थोड़ा सा चौड़ा दिया है ना, ये बाकी दुकानों के सामने हाँ जो ये, चौतरा होता है, हाँ ये चबूतरे होते हैं, चबूतरे होते, जैसे ये लोग आते ऐसे हैं। गेट होते थे। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज मैंने आप लोगों को दिखाया है रणथंभौर का जो किला था, किला है, उसका इतिहास, और उसमें कुछ छुपी हुई जगह जो आप लोगों ने शायद पहले उनका नाम भी नहीं सुना होगा, देखने की तो बात अलग है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना वीडियो में, आप लोगों को वीडियो कैसे लगे, और आप लोगों को कौन सी जगह देखने में सबसे अच्छी लगी, और आप लोगों को क्या सीख मिली इन वीडियोस से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद और जय लाइक भारत। और सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया, कोई भी, ज़रूर क्योंकि भाई जरूर से ज़रूर, जरूर वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना। ना जय भूलें।